वीरवार शाम अमृतसर च सुर सांझ वल्लों म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। इस विच पंजाबी म्यूजिक ते फिल्म इंडस्ट्री दी मन्नियां परमन्नियां हस्तियां ने शिरकत की, जिथे एक पासे गायकां नूं सन्मानित किया गया, दूजे पासे इन्हां गायकां ने अपने परफॉर्मेंस राही रंग बन्निया। जिस तरह सानू यार अणमुले चेते आउंदे ने, उस तरह ही इस गीत नू गाण वाले गायक जिहड़े ने ओह साडे नाल इस वक्त ने, शेरीमान। शेरीमान जी, वेलकम टू डेनिक। सत श्री अकाल जी सारयां नू। पहलां तां जानना चाहांगे, म्यूजिक फेस्टिवल अज गुरु की नगरी ते होण जा रहा है, बड़ा परवाह हुंगारा इस नू मिल रहा है, की कहना चाहोगे इस बारे? हाँ जी, गुरु की नगरी अमृतसर मैं मत्था भी टेक के आया हरिमंदर साहब पहलां जाके। सो तुसीं देख ही रहे हो पिछे बहुत हुंगारा बहुत वधिया मिल रहा है। अज थोड़ी जी एक दुख की खबर जी पता लगी भट्टी साहब बारे, वो करके थोड़ा दुख भी है, पर जिमें कहते शो मस्ट गो ऑन। सो वधिया लग रहा इत्थे आके ते सारे बहुत इंजॉय कर रहे। मान साहब, तुहाड़े होर केड़ा प्रोजेक्ट जिहड़ा यार अनमुल्ले तो बाद एक अदा गीत तुहाड़ा हो रहा है, होर की आ रहा हूँ? हुण अगली एल्बम है जी जिहड़ी, वह बिल्कुल रेडी है। तो अज हरभजन मान बई हुणां तो असी रिलीज़ भी इत्थे करवा रहे हैं, स्टोर्स ते पहुंच चुकी है वो एल्बम। सो आटे दी चिड़ी जिहड़ी नैक्सट एल्बम है यार अनमुल्ले तो बाद, सो बहुत सोहनी एल्बम है, ऑलरेडी बहुत वधिया रिस्पोंस उहदा मिल रहा है। सो वो हुण बस कल तक आ जाणी है जी। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले, एक इहो जी उग्गी शख्सियत नूं पंजाबी गायकी नाल जुड़ी हुई, जो वाकई इस अवार्ड नूं डिजर्व भी करदे ने, साडे नाल सुरेंद्र शिंदा ने। सुरेंद्र जी, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज एंड फर्स्ट म्यूजिक फेस्टिवल। थैंक यू जी, बहुत खुशी की गल है, बड़े माण की गल है कि श्री गुरु रामदास जी की इस पवित्र धरती से जो संगीतक शाम हुई है, इस दे विच जो ये सम्मान होया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिता गया, ये मेरा माण नहीं बल्कि समूह पंजाबियों का माण है, समूह स्रोतियों का माण है, पंजाब का माण है, पंजाबीयत का माण है। इसलिए मैं ये मैनू मुबारकबाद नहीं जाती, सारे पंजाब नूं मुबारकबाद जाती है। शिंदा साहब, अज जिहड़े मुकाम ते पंजाबी म्यूजिक खड़ा है, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है, तुहानूं लगदा है कि तुहाडी कीती हुई जिहड़े तुसीं बूटे लाए सी अज पेड़ बन रहे ने? हाँ जी, जिन्हां ते मेहनत कीती है, जिहड़े सिखे ने वो बहुत उन्होंने तरक्की कीती है। अमर सिंह चमकीला बेशक दुनिया ते नहीं, उहदी आवाज़ गूंजदी है। कुलदीप पारस वो भी दुनिया ते नहीं, बहुत अच्छा गाया। इस तो अलावा इंदी न्यूयॉर्क वाला होर मेरे दविंदर दिल ते होर अच्छे शिगिरद जो भी काम कर रहे ने, मैनू उन्हां ते माण है। साडे नाल पंजाब दी हिक दी राणी गुरमीत बावा जी ने, जिन्हां नूं अज फर्स्ट म्यूजिक फेस्टिवल विच ऑनर किया गया। मैम, अज वैसे तुहानूं बहुत सारे अवार्ड मिल चुके ने, पर जदों अपनी धरती ते गुरु की नगरी अमृतसर में सम्मानित किया जाता है, किदा लगता है? हाँ, इस तो पहले मैं 9 तरीक राष्ट्रपति अवार्ड भी मिल चुका है, लॉन्च भी किया। और ये अवार्ड जो होंगे ने, लोगों का प्यार है, सब तो वड्डा अवार्ड मेरा लोगों का प्यार जिहड़ा कि मैं मिलता है, ये बहुत वड्डा है, तो बहुत ही वड्डा अवार्ड है, क्योंकि ये नवदेश की बहुत अच्छा उपराला करते हैं। एक तो सारे नाल मिल वर्तल करते हैं, दूसरा है कि मतलब ये अवार्ड मैं सब तो वड्डा ही लगता है। जब इन्होंने तूतक तूतियाँ कहा तो पूरा पंजाब बोल उठा हाई जवालो। मेरे नाल ने वन एंड ओनली मलकीत सिंह जी। मलकीत जी, वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़ एंड फर्स्ट म्यूजिक फिल्म फेस्टिवल। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत चंगा लगे अज इतने अमृतसर आन के, बहुत बहुत धन्यवाद। इस जिहड़ा शुभ दिहाड़ा जिन्हों असी कही, अज पूरा माहौल जिहड़ा बनया है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री नूं, पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री जिहड़े माण है उन्हां नूं सन्मानित किया जा रहा है, की कहना चाहोगे इस अवार्ड बारे? अजकल झूठे अवार्ड भी बड़े हो रहे हैं, सच्चे सुचे ऑनर बारे की कहो? बिल्कुल सही है जी, क्योंकि जिहड़ा अवार्ड है मैं समझदा एक आर्टिस्ट नूं एक इनकरेजमेंट दिंदा, आर्टिस्ट नूं होर चंगा काम करन दे लई सिहत दिंदा। सब तो वड्डा अवार्ड जिहड़े लोग है जी, देखो जदों तुहाडा नाम आउंदा, जदों ताड़ी मारदे लोक, सब तो वड्डा मैं समझदा कि वह अवार्ड है साडे लई। लेकिन इदां दे अवार्ड फंक्शन होने चाहिए आ, सच्चे अवार्ड होने चाहिए आ, झूठे अवार्ड नहीं मिलने चाहिए। कि वाकई जिवें असीं हुण गल करदे टेक, बहुत सारे आर्टिस्ट अजकल बहुत कुछ गलत मलत गा रहे हैं, जिन्हां दे कि असीं दिन नूं असीं मतलब मजारे करदे हां ते रात नूं उन्हां नूं ही अवार्ड मिल रहे हैं। इदां दी गल नहीं होनी चाहिए,
ਚੰਗਾ ਬੋਰਡ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਿਹੜੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਰੀ ਔਨ ਹੀ ਨੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ। ਗਿੱਪੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਡੇ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ ਫਸਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ। ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਨਮਾਨ ਵੱਖਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿੱਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਪਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ। ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਜੀ ਅੱਜ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਮਸਟ ਗੋ ਆਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੂਡ ਆਫ ਆ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਮਸਟ ਗੋ ਆਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਸ ਉਹ ਡਾਈਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਭਰਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸਿਸ ਅਤੇ ਆਨਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਨਿਖਿਲ ਵਰਮਾ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।